बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मज़ेदार सी पीनट चिक्की, जो घर में आसानी से बन जाती है। तो चलिए अभी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए एक प्याली गुड़, एक प्याली पीनट और एक चमचा घी। सबसे पहले आप पतीली में गुड़ डाल दें और इसको बिल्कुल हल्की आँच पर पकने के लिए रख दें। साथ ही आप पैन भी रेडी कर लें, या मैंने शीशे की एक मोटी डिश ली है, इसमें आप अच्छे से घी लगा के इसको रेडी करके रख लें। देखिए ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब आप इसमें घी ऐड कर दें और इसको अच्छे से मिक्स करें और चमचा चलाते रहिए। चमचा आपने इसमें मुसलसल चलाना है क्लॉकवाइज, और आँच आपने हल्की रखनी है वरना गुड़ जो है वो नीचे से लग जाएगा। तकरीबन 7 मिनट लगते हैं इसको रेडी होने में, 7 मिनट में ये रेडी हो जाता है। देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो रहा है और यहाँ ये मेल्ट हो गया है, 3 मिनट में ये मेल्ट हो गया है। अभी आपने इसको मज़ीद पकाना है। देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है, अब इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से, तो बस ये रेडी होने की पोजीशन में आ गया है। अब आप इसको चेक कर लीजिए। चेक करने के लिए बाउल में थोड़ा सा पानी ले लें आप, और गुड़ के चंद कतरे आप उसमें डाल दें। 10 सेकंड के लिए उसको रख दें। उसके बाद हम उसको चेक करेंगे कि अगर वो सॉफ्ट है तो हमें गुड़ को मज़ीद पकाना है, और अगर वो हार्ड है, ईजीली टूट रहा है, तो वो रेडी है। देखिए ये बिल्कुल हार्ड है, बस ये रेडी है। अब इसमें आप पीनट ऐड कर दें और आप इसको अच्छे से मिक्स करके, इसको जल्दी जल्दी से आपने मिक्स करना है क्योंकि ये हार्ड हो जाता है फ़ौरन से। जितना हम इसको टाइम लगाएंगे मुश्किल से मिक्स होगा, तो आप इसको जल्दी से अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद आप इसको निकाल लें, और निकालने के बाद आप इसको सेट कर लें। मैंने यहाँ मैशर लिया है स्टील का, इस पर थोड़ा सा घी लगाया है। थोड़ा आपको मुश्किल होती है इसको सेट करने में, बट ये कि हो जाता है। इस तरीके से देखें आप इसको सेट कर लें, उसके बाद आप इसके कट लगा लें। कट लगाने में भी थोड़ी मुश्किल होती है, बट ये कि लग जाते हैं। गरम में ही आपने इसे कट लगाना है, ठंडे होने के बाद इसमें कट नहीं लगते। कट लगाने के बाद आप इसको 15 मिनट सेट होने के लिए रख दें। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका कॉर्नर का पीस निकाल के चेक कर लेते हैं। ईजीली निकल गया है, देखिए ये। और वाओ कितना क्रंची और कड़क एकदम बन के रेडी हुआ है, और टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।